ज्योतिष आचार्य जी, जातक को पुष्प पूर्णिमा के दिन क्या गलती करने से बचना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी रुष्ट ना हो? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। पूस का महीना जो होता है वह लक्ष्मी की पूजा का महीना होता है। पूस महीने में यदि लक्ष्मी की पूजा की जाए, श्री सूक्त का पाठ किया जाए, तो लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। विशेष करके पूस पूर्णिमा के दिन छोटी छोटी गलती करने से लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती है। इसलिए विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि पूस पूर्णिमा को छोटी छोटी गलती घर में ना करें। जैसे कि उस दिन तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन करने से लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती है। और सूर्यास्त के बाद भूल कर भी झाड़ू न लगाएं, काला वस्त्र धारण ना करें। और यदि दरवाजे पर गरीब और असहाय व्यक्ति आ जाए तो उसको खाली हाथ वापस न भेजें। उसको कुछ न कुछ देकर ही घर से विदा करें। और उस दिन बड़े बुजुर्गों से विवाद न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, किसी को भी कटु वचन न कहें। ऐसी गलती करने से लक्ष्मी नारुष्ट हो जाती है। और लक्ष्मी नारुष्ट होने से आपके घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। इसलिए इससे बचना बहुत आवश्यक है।